Jawaharlal Nehru loved these poems so excessively, or that is called so abundantly, enormously. तेल कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू एत अब्यूडेन्टली लव करते कहीं से किस करते पोएम को हि जस्ट हाड ए ग्रेट किस टू दि पोएम जमी आम क्रिकेट खेला बेले बॉल टी किस देदे से टी आउटी हेल्प करदे से जामर बाउंड्री बाहर सिक्सर दैट इज हाँ जस्ट दि किस अफ दि ब्लेड अफ दि बैट एंड टचिंग डाउन एंड अल्सो फ्लाइंग पास्ट ओवर दि सिक्स सेमती आमको टी कहीं जवाहरलाल नेहरू पोएमटा कहीं लव करते एते ट्रमाण्डसली एते अब्युंडेंटली एते एनर्मोसली हाँ देन कहीं से एते लाइक करते ये पोएमटा को कहीं बिकज ट्राएस टू विथ डेस्टिनी कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू गोटे स्पीच रे तार सब्जेक्ट मैटर था ट्राएस टू विथ डेस्टिनी ट्राएस टू विथ डेस्टिनी मीन्स व्हेन इंडिया गॉट हर फ्रीडम सो ड्यूरिंग द टाइम So the first Prime Minister of India, then he had given, delivered his speech, tries to with destiny. Means, we have made the promises, that is called the pledges, promises. Because India has attained the success, the glorious independence, the midnight hour, the whole world sleeps. So during that time, the Indians awakens and also brightens the hopes of the star also rising in the sky. सो दैट इज आज देख गोटे कथा कौच तेणु से करार उद्देश्य हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कही आम फिजिकाली हो मेंटली हो स्पिरिचुअली हो इकोनोमिकली हो तेणु लोक मानकर आम समस्त प्रकार ऑलराउंड डेवलपमेंट करु नुह एबू आम आरंभ करू भारत इंडिया अल्सो वाज बिंग रूल्ड और गवर्नड बाय द ब्रिटिशर्स फर मोर दैन 200 इयर्स So when at last India got her freedom, 15th August 1947, so here, being the first Prime Minister, he had deliberately did that. India reawakens his vibes. India reawakens its spirit. India also revitalizes its strength. And it returns to the tracks. Then kon India tal track ko feri aschi? Tar glory kon feri aschi? Na taro for future destiny. तार भविष्य जो फर्च्यून डेस्टिन केमी वर्तमान ठारमी इम्प्रूव करमी डेभलप तेणु से कहते प्रॉपर टाइम बर्तमान आसी जाइए जे इंडिया यही समय आम ऑलराउंड डेवलपमेंट करवा जोटा कि ब्रिटिश समय हो ना अच्छा तेल कौन कौन ऑलराउंड डेवलपमेंट तब किसी जन सांबादिकबू मैंने क्वेश्चन पचारे देन व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द ऑलराउंड डेवलपमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू सिंपली आंसर ऑलराउंड डेवलप मीन्स इन ऑल टर्म्स इन ऑल फेजेस इन ऑल कैटेगरीज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सन्स लाइफ एंड व्हिच आर द बेसिकल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स जो गुड़ा कि ह्यूमन रो बेसिक नीड्स जोटा मूलद्वा निहाती दरकार तेणु से चारोटी जिनस आमे जदि स्ट्राइक करी परिबा बा फोकस करी परिबा बा अटेंटिव हो परिबा ताले इंडिया रो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पारे ताले से सांबादिक माने पचारे जे व्हाट आर दोज फोर एलिमेंट्स कुड यू काइंडली जस्ट डिस्क्राइब अबाउट दैट देन पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ऑल्सो वेरी एलिगेंट टू दैट टॉपिक से भी आंसर देते आमर चारिटी एलिमेंट्स थिला कौन कौन गोटे पॉवर्टी पॉवर्टी उपरे नंबर वन नंबर टू रे देथले इग्नोरेंस नंबर टू नंबर थ्री रे देथले डिजीज नंबर थ्री अच्छा नंबर फोर देथले इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी माने कौन इंडिया रे सेते बेले हाँ बिकज सो इन इंडियन सोसाइटी देयर वाज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटरी फैक्ट्स डिस्क्रिमिनेशंस नॉट इक्वल अमंग ऑल्सो द स्टेटस क्यू ए पर्सन बिकज फ्रॉम हायर रैंक टू लोअर रैंक्स So, I think there is not equality maintained. So, anyhow, that's why. So, the four factors, the four taboos, which was a great hindrance and the barriers in the way of the progress of the India. So, Jawaharlal Nehru said that I could not imagine to see the future of the Indians as brightness.
because of the prevailing or the existing, the four scenarios, the four manifestations are lying on my table. So as long as I am unable to drive it out, then India also, not very easily, just get its all-round development. Tahale se sambadhi mai bane out a question. Kale ignorance mane apan kon bujhei diyantu. Kale ignorance mane hochi not highly qualification. A person could getting the highly educational qualification, that does not also need not matter at this case. Because the matter of reading and also the writing, that is also the basic needs of the human education. So at least at the grassroots level, lokomane jodi tik padhi paribe suni paribe tahale seita gote bahut bada jinish hoi paribo, that is the literacy rate will be counted. Acha tapar pachale je auti disease upare kon kahuchanti, because India, not only India but also I think many more countries were struggling due to times also, very fatal diseases, life-taking diseases during that time. So, she disease upare bishe man kache. So anyhow, tam chhara sabu. Mu bartan mu because I have not touched now to come to the context or topic. Dekho, mu bartan topic ko bartan mu aseni. Bartan mu stanza ko aseni. Mu bartan describe karuchi. जे रॉबर्ट फ्रॉस्टंकर एई जो पोएमटा ता ना होची स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ताले व्हाई डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्जॉर्बिटेंटली लाइक्ड और सपोर्टेड और फेवर्ड दिस पोएम, काहीं से ताकु फेवर करथिले, काहीं ताले पोएमटा लाइक करथिले, काहीं कि से भी एई पोएमर मेन उद्देश्य कोन थिला, एई पोएमर मेन उद्देश्य थला जे प्लेजेस promises, responsibilities, duties, तारे से गुरा सब कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू कही थी ले, ये बेबे आमर काम सरी नहीं, भविष्य तरफ फ्यूचर जेनरेशन पे इनका आमर अनेक काम भी बाकी पड़ी ची, आहुरी अनेक काम, जो उड़ा को कौन थी जे, ये मोर आहुरी अनेक promises अच्छी, कहाँ पे ही अच्छी? Promises not only for personal benefit, promises for the people, promises for the benefit of society. Promises for the benefit of the countrymen, and also promises for the benefit of also the friends, but on the larger scale, for the benefit of our country, because it is our the nation, motherland. Okay, acha tenu se ja bhi ho tenu ethi amara promises, amara responsibilities, our duties aku ame carry on kariya padibo, carry forward kari padibo, because in order to grab the success, in order to grab the opportunity.